हम आज इस शक्तिपात दीक्षा के बाद इस शक्तिपात दीक्षा को इसलिए दिया हूं, बहुत सारे लोग ये कहते हुए मेरे पास आए, गुरुजी हमने तो पेड़ के नीचे साधना की, एक पत्ता भी नहीं पड़ा। किसने कहा लकड़ियां पड़ी, किसने कहा पत्ते पड़े, किसने कहा एक पत्ता भी नहीं पड़ा। अब बात ये है कि कभी आप ऊपर उठा के झाड़ को देखे ही नहीं, ये पतझड़ का जमाना है, पत्ते आज सब पहले ही पड़ गए और वहां है हरे पत्ते अभी अभी उग रहे हैं, पत्ते पड़ेंगे कहां से, पड़ेंगे तो झाड़ी पड़े। अब आपको उन पत्तों को डालने के लिए, शक्ति साधना के लिए पत्ते उगने पड़ेंगे और उसके बाद पत्ते झड़ने पड़ेंगे, और उस उतना समय आपको नहीं, पांच मारा करके धूप में खड़े रहने के बाद गुरु के ऊपर एहसान कर दिया कि गुरु जी हम गए और गए, कभी ऊपर देखते तो सही कि क्या पत्ते हैं, तो ये सारी चीजें देखते नहीं और पाए आगे बोले लकड़ी गिरी। अरे पत्ता गिरना बहुत बड़ी बात है, लकड़ी गिरी तो लकड़ी गिरना तो और बहुत बड़ी बात है, वहां से अगर लकड़ी गिरा पत्ता तो यूं ही गिर गया, लकड़ी गिरता है तो अब देख तो कितना सिद्ध साधक है। मैं ये बात कह रहा था कि आज आपकी ये परीक्षा देख रहा था कि आप कितने विघ्नि हैं, कि कितना सोच सकते हैं, कितना देख सकते हैं कि आपके कार्य में आपने साधना है कितनी सिद्ध की। आपको कुछ नहीं लगा, ऊपर देखे ही नहीं पेड़ के नीचे, जाके पेड़ के नीचे बैठ गए और आगे की पत्ता नहीं गिरा। पत्ता गिरेगा कैसा, पत्ता गिरने वाले पेड़ के नीचे आप बैठे नहीं, और पत्ते को गिराने के लिए मैं भी जानता हूं। कोई आगे कहता है गुरु जी मैं सामने दिखता रहा पत्ता गिरता है, क्यों पत्ता पीछे नहीं गिरना चाहिए क्या, तो साधना कर रहा और पीछे देखने के लिए तैयार नहीं, वो सामने ही देखेगा, पत्ता सामने ही गिरता, ऐसी बात नहीं है। इस साधना में निश्चित रूप से वो पत्ता जो देवता में होता है और निखिल चेतना केंद्र का हर पत्ता देवता में है, ये साधना में आपको इस चीज को करके बताना है कि आपने ये साधनाएं संपन्न की और ये साधनाएं हुई। इस साधनाओं के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि जब तक इस बात को आप ही के आश्रम से उसको शादी कर लिए किसी शापवश और उसको नौ बच्चे पैदा हुए और उसके बाद गोरखनाथ जी आए और मच्छिंद्रनाथ जी को लेकर जा रहे थे। मैनाकिनी के दिल में नहीं था कि मच्छिंद्रनाथ जी जाएं, फिर भी किसी वश उसको किसी भी तरफ भेज दिया। उनका छोटा बेटा मीनानाथ को अपने ऊपर जाकर लेके चले जा रहे थे तो मैनाकिनी ने कहा इतने दूर जा रहे हो, कल तक राजभोग अनुभव किया है अपने यहाँ रहकर, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे रहे, दास दासियां थी सब थी, अब फिर भिक्षा की झोली डालकर डाल जा रहे, कुछ कमी पड़ गया और गोरखनाथ इधर उधर हो गया तो ये सोने की ईंट आपकी झोली में डाल रही हूँ, ये लेके जाना, गोरखनाथ को नहीं बताना। वो फिर अगर वो रहा तो, क्योंकि सन्यासियों के पास सोने की झोली नहीं लेनी चाहिए, सोने की झोली की मैंने नहीं जा रहा था। अब वो बात मच्छिंद्रनाथ जी ने देख ली और देखा कि सोने का ईंट पड़ा हो, दोनों चलते गए। चलते चलते पर्वतों पर जा रहे थे, एक बार क्या हुआ अरण्य आ गया तो मच्छिंद्रनाथ ने गोरखनाथ से पूछा अरे भाई यहाँ कोई है, इतने जंगल में जाने चोर वोर तो नहीं है। गोरखनाथ को लगा चोर नहीं, यहाँ कहाँ चोर है यार, आपको चोर का डर, चोर की डर का ही, आप तो सन्यासी हैं, हम दोनों हमारे पास चोर लूटेंगे क्या। आगे थोड़ा दूर बढ़े फिर मच्छिंद्रनाथ यहाँ चोर वोर लुटेरे तो नहीं है। महाराज जी आप इतने सिद्ध है, यहाँ चोर वगैरह काय को रहेंगे, आपको ये चोर की भी डर कही है। थोड़े दूर और गए फिर जगह बैठे, अरे गोरख तू यहाँ जरा एक बार देख के यहाँ कोई है क्या नहीं, चोरी लुटेरे की लोगों को पूछ लेना। अब गोरखनाथ का मारता ठनका, ये सन्यासी आदमी इसको बार बार ये क्यों आ रहा है कि यहाँ चोर उचके नहीं है, चोर उचके नहीं है। उन्होंने देखा आगे जाकर कि आखिर ये बात क्या, चक्कर क्या है, मच्छिंद्रनाथ जी बार बार ये चोर का चक्कर, चोर चोर क्यों पूछ रहे हैं। उन्हें थोड़ी दूर के बाद अरे झोली रखा और वो अपने टॉयलेट को गए तो गोरखनाथ ने मच्छिंद्रनाथ की झोली देखी तो उसमें सोने का ईंट था, पता चल गया ये सोने की ईंट के बारे में बार बार चोर है क्या बोल रहे हैं। उन्होंने देखा थोड़ी दूर गए, सोने की ईंट को लेकर फेंक दिया गोरखनाथ और उसके उसके ही उतने वजन का बड़ा पत्थर लग दिया और चलने लगे। मच्छिंद्रनाथ आगे चलने लगे, फिर पूछे मच्छिंद्रनाथ अरे गोरख यहाँ कोई चोर नहीं, आप बेफिक्र रहो, चोर आए भी तो आपका कुछ लूटने वाला नहीं। मच्छिंद्रनाथ को ठनका माता लिया ऐसा क्यों कर रहा है, बोला क्यों तेरे तुझे क्या करना है, हाँ तुम्हारे झोली में जो सोने की थी वह कभी का फेंक दिया, पत्थर है। अब जोर जोर से चिल्लाने लगे तेरे को बुद्धि है, तेरे को अक्ल नहीं है, मैं वो सोने की ईंट लेकर आया था वो करके, तो बहुत चिल्लाने लगे तेरा मेरा बात कट, तू चले जा, मैं फिर मैनाकिनी के पास चले जाता हूँ, बात बहुत आगे आई गई, सब बात ऐसी हुई कि आगे चल, आगे तक बात बहुत दूर तक चली और वो जाकर गोरखनाथ जी आगे आगे चले गए और मच्छिंद्रनाथ जी रूठ कर बैठ गए।
रूठ कर बैठ गए तो गोरखनाथ जी ने कहा इनको कुछ न कुछ तो बोलना ही चाहिए, ऐसा हुए तो ठीक है। अरे गुरु की आलोचना आप मत करो, आपकी आलोचना आप करते रहो कि हम गुरु ने हमारे ऊपर ये माया क्यों डाली, किस लिए इस माया को डालकर गुरु चल रहे हैं। जब तक आपको इसका इस बात का उत्तर नहीं मिलता तब तक आप अधूरे हो, आपका जीवन भी अधूरा है। गुरु जी कुछ आपसे चाहता है तो उसके लिए नहीं, वो अगर 7 दिन 8 दिन अपने पानी पे रह सकता है तो आगे भी किसी भी चीज के लिए किसी भी तरह रह सकता है। आज मेरी पत्नी और आपकी माता यहाँ बैठी हुई है, उनको बताओ कि मैंने कभी खाने के लिए किरकिरी की होगी, अच्छा लगा खाना खाता हूँ नहीं लगा छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि खाना अन्न ही परब्रह्म है और उसको उस परब्रह्म को परब्रह्म की तरह देख लिया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। कभी भी गुरु के पास रखा हुआ एक पत्ता भी, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर अगला वर्ष हो तो मैंने यहाँ जो मेरे नजदीक साधक रखें मैं मेरे आश्रम में इतने सब्जी इतनी फल इतने फूल ऐसे लगाऊंगा कि क्यों मैं एक वर्ष तक साधना बल पर जो आश्रम में मिला वही खाकर रहूंगा, उसे पका कर नहीं। तो मैं उस पार्वती देवी का शिव को प्राप्त करने वाले वो साधना करवा रहा हूँ जो उन्होंने फूल पत्तों पर रही जो मिला उसको ही खा लेकर किया है। ऐसी साधना अगर मैं यहाँ कर सका तो स्वामी निखिलेश्वर जी को यहाँ ला सका। आज जिस पंचमुंडी आश्रम को मैंने स्थापना की है, आज एक संयंत्र के तुलसी वृंदावन को यहाँ खड़ा कर रहा हूँ, मैं कल हमारे नागनाथ को बता रहा था मैं यहाँ तुलसी के वृंदावन का एक यंत्र बना रहा हूँ और इस निखिल चेतना केंद्र के ऊपर से जितने भी यक्ष गंधर्व किन्नर सब लोग जाएंगे उनको उतरना ही होगा, अगर नहीं उतरेंगे वो इसके ऊपर से जाएंगे पार करके जाएंगे तो उनके पांव रुक जाएंगे, वो वहां का वहां पड़ के नीचे आएंगे। इस यंत्र को यहाँ तैयार करेंगे, पंचमंडी आसन यहाँ किया हो तो किया, हर योगी को यहाँ टच करना ही होगा। अगर मेरा गुरु सामर्थ्य है, मैंने ये गुरु कार्य किया है तो गुरु कार्य आपके साथ भी करवाओ, इसकी महत्ता आज नहीं तो आप कल समझोगे और कहोगे कि यहाँ हमने विश्व में जो नहीं देखा उन चीजों को हमने यहाँ देखा है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही यहाँ रहकर अन्न को अनुभव कर सके तो मैं मेरे जीवन को सफल समझूंगा। आप यहाँ आए हुए हैं, इतने सब लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ, अभी आपको समझो कहीं भी आपको घर याद नहीं आता, नौकरी याद नहीं आती, कुछ नहीं आती, एक बार निखिल चेतना केंद्र का गेट पार हो गया सारी चीजें ऑफिस आ जा गया, बास याद आ गया, लीव याद आ गया, पैसे याद आ गए, कर्जा याद आ गया, सब याद आ गया। भूलते क्यों, भूलते किस लिए हो कि यहाँ एक तुम्हें पता है कि यहाँ एक सामर्थ्यवान व्यक्तित्व है, यहाँ हमारा कोई आकर कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। लेकिन यह बात आप अगर घर तक ले जा सकते हो कि हमारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं, गुरु हमारे साथ है, तो आपको वहां भी कोई बिगाड़ नहीं चलेगा। लेकिन वो बात मुझे कहता है कि तुम छूट जाते भूल जाते हो कि तुमने वहां से उनको मेरे साथ गुरु को नहीं ले जा रहा हूं, और जब तक तुम्हें यह है कि गुरु मेरे साथ है, गुरु को मेरे साथ ले जा रहा हूं, तो वहां भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, वहां भी तुम्हारे कोई कुछ करने वाला नहीं। लेकिन हमारे में ये जो सामर्थ्य सोचने की जो क्रिया है वो कभी क्रिया नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास हैं 12 साल से भी बैठे हैं, लेकिन 12 साल के बाद भी वो क्या कहेगा पता है, गुरु जी मैं को पैसे वाला कब बनाऊंगे, और कहेगा कि कब मेरे को फलानी लड़की से शादी करवाऊंगी। अरे मैं बोला तू 12 साल रह के केवल इतना ही किया, नहीं गुरु जी बस आप उस लड़की से शादी करवा दो फिर देखना आप क्या, फिर मैं क्या देखूंगा तू लड़की के साथ चला जाएगा, मैं देखने को क्या रहा मेरे पास, तुझे पैसे दे दूंगा तो पैसे को देख के बैठेगा मेरे को क्या देखेगा। तू 12 साल रहकर भी अगर तुझे उसी के प्रति मोह है और गुरु के प्रति तेरे को कुछ भी विचार नहीं है तो संवेदना ये होती है कि गलत मैं हूं या गलत तू। अगर मैं तुझे एक जन्म नहीं दूसरा जन्म भी यहां रखूंगा तो तू वही सोचेगा कि मुझे पैसा चाहिए और लड़की चाहिए, तू इसलिए ही आश्रम आया। पैसा और लड़की चाहने से पहले तुझे बार बार ये कह रहा हूं कि तू कहे कि गुरु जी मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, उस दिन तुम्हें सब कुछ देने की क्रिया करता हूं। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को यही कह रहे थे, विवेकानंद आए क्या कहे कि मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन की शादी नहीं हुई, मैं LLB पढ़ा हूं, मेरे को नौकरी नहीं है, रोज आके रामकृष्ण परमहंस को यही कहते। रामकृष्ण परमहंस सुनते सुनते रह गए और बोले कभी तो बुलाकर मैं इतना तुझसे प्यार करके रोज भजन सुनता हूं, रोज तेरे भजन सुनता हूँ सब, हाँ भजन फुकट में सुन लेते हो, मेरे को क्या कर रहे हो, ऐसा विवेकानंद का कहना, मेरे को क्या कर रहे हो। रामकृष्ण परमहंस को लगा कि ऐसा सुधरने वाला नहीं, तो उन्होंने कहा तू कल से भजन बंद कर ले, मेरे पास आना नहीं, तू तेरे घर में भजन कर ले, मैं तेरे भजन नहीं सुनूंगा, मैं मेरी माता काली माता का दर्शन दूंगा, मैं तो तेरे लिए कुछ करने वाला नहीं। तो कहे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद घर को गए और उनको बेचैनी आरंभ हो गई। जब वो समय आया भजन करने का रामकृष्ण परमहंस का, तो बहुत अपनी कठिनता से अपने आप को रोककर घर में भजन कर रहे थे, लेकिन भजन में मजा नहीं आ रहा था। जब रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के भजन में नरेंद्रनाथ जब थे, जो भजन करते थे तो अपने मान डुलाते हुए कहते थे कि अरे क्या सुंदर भजन सुना रहा है, लेकिन वो घर में बैठे उसको मजा नहीं आ रहा था,
फिर भी विवेकानंद दूसरे दिन किसी भी तरह से गुरु के पास आई गए और बैठ गए। बोले फिर काय को आया? काय को आया? मन में नहीं लग रहा था, लग में इसलिए आया, मेरे को कोई आपसे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, आ जा, बैठ जा, बैठ जा। बोले ये तो बताओ कि मैं एक दिन बहुत मिलियनियर करोड़पति किस दिन बनूंगा, और मेरी इच्छा है कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बांधू, कालिका माता का बहुत बड़ा मंदिर बांधू। बोले तू ऐसा नहीं तो कर नहीं सकता, फिर क्या करना? क्या करना है? बहुत बड़ी साधना करनी है। कौन सी साधना? तू जिस दिन मेरी आज्ञा का पालन करेगा ना, मैं तेरे को तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उन्होंने कहा किस तरह की आज्ञा? कुछ नहीं, मैं तू तेरे पहले वचन लेगी तो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। ने कहा तुम ये गारंटी वचन दो कि मैं जो चाहता हूँ कि तुम्हारा मंदिर में बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन सकूंगा, और माता कालिका का मंदिर बांधने की क्षमता मेरी विवेकानंद का था कि जब मेरे पास करोड़ रुपए आएंगे तो ही मैं बांध सकूंगा, है ना, तो इतना बड़ा मंदिर बांध सकूंगा, सब कुछ कर सकूंगा। तो रामकृष्ण परमहंस, मैं तेरी हर इच्छा को पूर्ण करता हूँ, तू मेरी आज्ञा का पालन करने के वचन दे। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर जैसा चाहता हूँ वैसा मैं अगर मंदिर बांध सकता हूँ तो मैं वचन देता हूँ कि तुम जो कहते हो करने के लिए तैयार। तो बोले कल रेडी हो जा, तेरी बाल बहुत अच्छे निकालते थे विवेकानंद, देखने के लिए अच्छे थे, अच्छा सूट बूट पहनते थे, ये सूट बूट उतार दे, कल काषाय रंग के वर्ण पहले और पूरा चिकनी हड्डी कर ले, संन्यास ले। विवेकानंद सर माथा बैठे, ये कोई विधान हुआ? अरे मैं समझा किसी बिलियनर के पास भेजेंगे, किसी अच्छे धनवान के पास भेज के मेरे को उसके पास नौकरी लगाएंगे और मेरा सारा काम हो जाएगा। आपने कहा कि संन्यास ले लो, तुमने मुझे वचन दिया है कि मैं जो कहूंगा तू करेगा। बोले तुमने भी वचन दिया है कि मैं संन्यास लेकर ही मेरा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा संन्यास ले लिए दूसरे दिन, और विवेकानंद का कहा कि तेरी माँ जहाँ तेरा घर है वहाँ जाके भिक्षा मांग किया, माँ के घर में, माँ मर जाएगी मेरे को देखकर सन्यासी के रूप में, मैं मेरे एलएलबी भी पढ़ाए हूँ, मैं सब कुछ करी हूँ, सन्यासी देख के क्या होगी, मेरी आज्ञा का पालन तूने किया है। उन्होंने फिर कहा तुमने मेरे को वचन दिया है, मैं तेरे को वचन दिया हूँ, तू जा। विवेकानंद गए सन्यासी के रूप में भिक्षा मांगने के लिए, वहाँ देखते क्या है कि पूरा उल्टा है। बहन की शादी के लिए, उनकी बहन थोड़ी लंगड़ी थी और बीमार थी, लेकिन एक राजा का बेटा भी लंगड़ा था, उसके साथ उनकी शादी होने वाली थी, तो उनके घर में सारा सामान सज धज के घर बहुत ही सुंदर अलंकारों के साथ सज गया था, और उनकी बेटी उस राजा के घर आने में जा रही थी और उसकी शादी थी। विवेकानंद देखकर हक्का बक्का रह गई कि इतना बड़ा घर सजा हुआ। माँ बहुत खुशी के साथ नाच रही थी कि बेटी की शादी के लिए। बोली मैम माँ को कैंसर है, उसका क्या हुआ? कैंसर में से सब गायब, खुशी जहाँ जब आती है तो कैंसर वगैरह कुछ काम नहीं करता, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उनका कैंसर अपने ऊपर ले लिया था। विवेकानंद देखते हतप्रभ रह गए, माँ घूम रही थी, माँ ने देखा नहीं कि ये विवेकानंद देखे, क्योंकि ये सब चिकनी हड्डी चले थे, सुंदर विवेकानंद सब मुझ भी सब चले गई। तो माँ अरे कोई सन्यासी आएगा उसको भिक्षा डाल दे, ऐसा बोली। विवेकानंद देखे कि माँ भी मुझे पहचान नहीं रही है, इतनी मेरी पहचान बिगाड़ दिए हैं रामकृष्ण परमहंस, और भिक्षा लेके आए और रामकृष्ण परमहंस उनको देख के हंसने लगे। तो क्या हुआ? बोले बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, बहन की शादी हो गई, ये सब हो गया। फिर दो दिन से उनको चिंताएं चली गई कि बहन की शादी की चिंता चली गई, माँ के कैंसर की चिंता चली गई, और बैठे रहे तो एक दिन 8-10 दिन हो गए और बोले प्रभु आपका एक वचन रहेगा। क्या? मैंने आपको कहा था कि मैं एक बहुत बड़ा काली का मंदिर बांधूंगा और आपका मठ बांधूंगा बहुत बड़ा, आप पैसे कहाँ से, आप बताओ मुझे कहाँ करना है, दो दिन ठहर जाओ। बोले दो दिन ठहर जा, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। हुआ ये कि हिंदू धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ और विवेकानंद को वहाँ बुलवाया गया। विवेकानंद जैसा ही वहाँ गए और हिंदू धर्म सम्मेलन में बात करे, जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि तुम्हारे गुरु कौन है, फलाने गुरु है। तो एक एक उन्हें कहते कि मैं एक बहुत बड़ा शिकागो का, फ्रांस का एक बहुत बड़ा धनवान आदमी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु कल सपने में आकर मुझे आज्ञा दिए कि उनके मठ और उनको मंदिर बांधने के लिए मैं इतने अरब रुपये तुम्हें देता हूँ। विवेकानंद को एक मिनट के लिए कराया और उन्होंने आंखें मूंद कर कहा कि प्रभु ये सब माया मेरे को क्या है, मैं समझा था कि सन्यासी बनकर ये काम नहीं कर सकता, लेकिन आपने सन्यासी बनकर ये काम मुझसे करवाया, आपके वचन सिद्ध है मेरा कार्य सिद्ध है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, तो आज आपका मठ भी बना। आज संसार में ऐसा नहीं है कि गुरु के रामकृष्ण मठ कोई ऐसे बड़े कैपिटल सिटी में ना हो, सारे संसार में है और सारे चीजों में है। विवेकानंद ने उनकी आज्ञा का पालन किया था। वो सोच नहीं रहे थे ऐसा क्यों करना चाहिए। हम इन चीजों को, इन रहस्यों को, इन बातों को गुरु के माध्यम से नहीं समझते, और जिस दिन समझेंगे उस दिन ही एक जीवन की एक श्रेष्ठता, एक कला, एक आगे बढ़ेंगे। अब आप एक छोटा सा मेरा भी उदाहरण इसी बारे में दे देता हूं। मैं जब गुरु से पहले मिला तो यहाँ ग्रुप वन की परीक्षा करते हैं, डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा, मैं उसमें पास हो गया था। पास हो गया तो रिजल्ट आने के लिए और था, तो उसमें उतने में केस कोर्ट को गया,
मैं गुरुजी के पास इसलिए गया कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं, और गुरुजी के पास बोला कि मैं गुरुजी मुझे डिप्टी कलेक्टर बना दो, मैंने परीक्षा पास की। अच्छा जोशी ऐसा है डिप्टी कलेक्टर बनना है? हाँ, अपने हाथ से मेरे पास आज भी चिट्ठी लिखी हुई, अनिल कुमार जोशी डिप्टी कलेक्टर, ऐसा गुरु जी ने ग्रेड वन ऑफिसर का उनके हाथों से लिखा था। बहुत खुश हो गया मैं। और जब यहाँ आया तो क्या कोर्ट में फैसला ऐसा हुआ कि रिजर्वेशन के नाते इतने ही लोग फॉरवर्ड क्लास के लोग रहेंगे, इतने लोग नहीं रहेंगे, और उसमें मेरा नाम आने से रह गया। अब बोलो मेरी हालत क्या होगी? मैं तो गुरु जी के लिखने के कारण सभी को बोल दिया था कि मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया, मैं कमिश्नर ऑफिस में था। माँ बाप से लेकर गली कूचे दो सब लोग गले देंगे, तेरा गुरु भी वैसा है, तू भी वैसा है। अब गुरु को तो कुछ नहीं कह सकता, गुरु को क्या कहने के लिए मेरे पास। फिर साधनाएं करते रहा, एक पत्नी अच्छी थी छोड़ दी नहीं, लेकिन छोड़ के वो भी चले जाती थी, सारा तेरे को डिप्टी कलेक्टर बोल के मैं समझी शादी कर ली, आज तो कुछ नहीं रहा, छोड़ी नहीं, उसका साथ था, आज बैठा रहा। फिर बाद में मैंने फिर साधनाएं आरंभ की, वो उसने भी मेरा साथ दिया, लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। एक चार दो साल होने के बाद फिर मैं गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी देखे, क्या हुआ ऋषि, कहाँ है? बोले कुछ नहीं गुरु जी, यूँ ही आ गया था। वो तेरे तू मेरे पास परीक्षा के लिए आया था ना, उन्होंने दीक्षा ली थी ना? हाँ गुरु जी। क्या हुआ? नहीं, वो कार्य नहीं हुआ। अच्छा, ऐसी है, ऐसी बात है? गुरु जी ने क्या किया कुछ पता नहीं, एक दीक्षा दे दी। मुझे लगा जब ये कार्य ही नहीं हुआ भी, जिस दीक्षा से क्या होने वाला है। फिर वापस आ गए, काम चलता रहा। वैसे तीन चार साल गुजर गए, तीन चार साल में हाल बेहाल हो गए, हम कहाँ थे कहाँ आ गए इसका पता नहीं चला। कार्य करता रहा, होता रहा, साधनाएं करते रहा, कोई भी आशा से कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन चार साल के बाद जब गया तो पहला शिविर बेंगलुरु में होने वाला था, और यहाँ से सभी बेंगलुरु के साधकों को लेके जाने की ऐसे गुरु जी को कहा, और बेंगलुरु में पहली बार हैदराबाद से दो बसों में साधकों को लेकर शिविर को गया। गुरु जी वहाँ गुरु जी के पास बैठा हुआ था, तो गुरु जी आए, हाँ जोशी क्या हुआ तेरा? बोले फिर वही बात, गुरु जी सब पता, यानी एक तो समाज तो चिढ़ा ही रहा था, उसमें गुरु जी भी चिढ़ा रहे थे कि तेरा क्या हुआ, अब क्या बताऊँ, क्यों क्या कुछ नहीं हुआ गुरु जी, ऐसा ही पड़ा रहा। तो गुरु जी ने मेरे मुख पर नाराजगी देखी और बोले कि जोशी दीदरा, अरे डिप्टी कलेक्टर बनता तो क्या होता था? मैं बोला एक क्षेत्र का राजा की जिंदगी जीता था, एक क्षेत्र में मैं राजा बनता था, यानी मेरी बातों को सब लोग मानते थे, बहुत अच्छी तरह का प्रमोशन होता तो कलेक्टर भी हो जाता। तो गुरु जी बोले ऐसा करता हूँ, तू ये क्षेत्र के राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, तुझे तेरे देश का महाराज बना देता हूँ। और गुरु जी को उस दिन का उस बात को मुझे पता नहीं चला, लेकिन आज सब लोग भी मुझे महाराज ही देख के रूप में देखे हैं, और महाराज की तरह बैठा हुआ हूँ। उनके वचनों को उनकी माया को हम नहीं समझ सके, लेकिन आज डिप्टी कलेक्टर बन के जो ताने सुनता था उसे भी आज बैठे बैठे हार पहनता हूँ, और लोग वो डिप्टी कलेक्टर मेरे सामने आकर बैठे रहते हैं, वो मिनिस्टर वो MLA सब मेरे सामने आकर बैठते हैं, जिसके लिए मैं उस दिन गुरु जी के पास गया था। तो उनकी माया को हम जब तक नहीं जानते तब तक हम इस कार्य को नहीं कर सकते। उनकी आज्ञा का पालन करना ये भी मेरे जीवन का एक उदाहरण है। आज इतने निखिल चेतना केंद्र इतने कम समय में भी, अगर मैं कहूँ तो भारत और बाहर ये सब तेरे, तो मैंने 13 निखिल चेतना केंद्र का रजिस्टर्ड हो गए हैं, और अनरजिस्टर्ड अलग हैं जो अब आज करेंगे कल करेंगे करने वाले। अगर ऐसा ही रहा तो 50 निखिल चेतना केंद्र जरूर मैं भारत में स्थापना करूंगा अगले 5 साल। मेरा कहना ये है कि आप पूर्ण समर्पण के साथ गुरु के साथ बैठे रहो और गुरु को कहते रहो, तो गुरु तुम्हें कहीं कमी पड़ने देने वाले नहीं, तुम जो चाहते हो उससे भी ज्यादा तुम्हें प्रदान करेंगे, तुम्हें गुरु जी वो चीज देंगे जो तुम चाहते नहीं। गुरु कभी भी एक प्रकार की माया डालते हैं, और वही माया गुरु जी ने मुझ पर भी डाली थी, गुरु जी ने मुझ पर भी वो माया डाली थी, लेकिन उसी गुरु पूर्णिमा में जो हैदराबाद में गुरु पूर्णिमा हुई थी, तब गुरु जी ने अपने मुख से कहा था, दो ने तीन बार कहा कि मैं जोशी के ऊपर माया डालता रहा, और वो उस माया को छेकते हुए अपना गुरु कार्य करता रहा। कभी उसने ये बात नहीं कि गुरु जी मेरा काम नहीं हुआ, ये बात नहीं कहा, और गुरु कार्य में आगे बढ़ता रहा। आज उसकी स्थिति में आशीर्वाद देता हूँ कि जो जब लक्ष्मी मेरे आंगन में नाचती है तो जोशी के आंगन में भी नाचेगी, और ये आज आपके सामने दिख रहा है। एक गुरु जी का प्रसन्न था, गुरु जब प्रसन्न हो जाता है तो सारा ब्रह्मांड सारे देवता उसके सामने खड़े हो जाते हैं, और गुरु को प्रसन्न करने की शक्ति हमारे में होनी चाहिए। गुरु की निंदा करने, गुरु की आलोचना करने हमारे में शक्ति नहीं है। तुम क्या शक्तिवान हो जो गुरु की आलोचना करते हो? गुरु क्या करता है? अगर उस दिन गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ की आलोचना करते तो गोरखनाथ की स्थिति क्या होती? आज हम इन सभी चीजों को, इन सभी शिष्यों को, आज उस दिन अगर विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की आलोचना करते और उनसे दूर हट जाते तो उनकी स्थिति क्या होती थी? वो समर्पण के साथ उनके साथ थे। आज विवेकानंद का नाम रामकृष्ण परमहंस जी से लिया जाता है,
इस गुरु की माया को जब तक नहीं समझते हैं, गुरु की आलोचना नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग गुरु की आलोचना करने लगते हैं। गुरु जानता है कि तुम्हें कहाँ ले जाना है और कहाँ पहुंचाना है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हें कहाँ तक ले जाना है, तुम कहाँ तक सहन करने की शक्ति अपने आप में रखते हो, ये गुरु जानता है। मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि आप गुरु जन्म दिवस पर गुरु जी से कुछ मांगो तो यह मांगो कि गुरु जी हम आपके समर्पित और सामर्थ्यवान शिष्य बने, यह आशीर्वाद हमें प्रदान करो। आप हमारे में ऐसी सहन शक्ति दो कि आप प्रसन्न हो जाएं हमारी सहन शक्ति को देखकर। यह संसार, जब आप प्रसन्न होंगे संसार प्रसन्न होगा, और संसार प्रसन्न होगा तो हम देवता या उससे भी ज्यादा हम आगे बनकर पूजनीय कहलाएंगे। हम सारे संसार के भोग भाग्यों को, वैभव को हमारे पास अपने हाथ में लेकर चल सकेंगे। यह समर्पण तुम्हारे में चाहिए, यह मांगने की क्रिया तुम्हारे में चाहिए। और इसे छोड़कर अगर तुम कुछ मांगते हो तो ये तुम अभी भी उसी न्यूनताओं में भटक रहे हो जहां तुम्हें गुरु सब देना चाहता है और तुम लेने के लिए आगे पीछे छोटी सी चीज मांग रहे हो। गुरु जी तुम्हें बहुत बड़ा भवन, बहुत बड़ा राज्य देना चाहता है और तुम छोटी सी झोपड़ी मांग रहे हो। गुरु जी तुम्हें अमृत देना चाहता है और तुम गिलास का पानी मांग रहे हो। गुरु जी तुम्हें राज्य देना चाहता है, सुंदरता देना चाहता है तो तुम्हें घनी खुटी मैल की कुचेली हुई एक चीज मांग रहे हो। गुरु जानता है कि तुम्हें क्या देना चाहिए। एक बार समर्पित होकर तो कह दो कि गुरु जी तुम जो भी दो वो मुझे मान्य है, तुम देखो तुम्हारा ऐश्वर्य किस तरह बढ़ेगा, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे में ऐसी बुद्धि आए। इसके बाद इस बुद्धि को आने के लिए हमें क्या करना है। अब लोग हमारी चेतना अगर यहाँ बैठ गई तो पहले कहते तुम बहते हो, बार बार कहते हो, हमारी बुद्धिशाली आती ही नहीं, कितना भी कुछ भी करो जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, वही बुद्धि, फिर हम सीट के लिए झगड़ेंगे ही, फिर माला के लिए झगड़ेंगे ही, फिर हम जगह के लिए झगड़ेंगे, हमारी बुद्धि चलती ही नहीं। अब आप ऐसे कुछ बुद्धि दो कि हम इससे आगे बढ़े, हमारी बुद्धि ऐसी दो कि हम भी समर्पण साथ के लिए हम बहुत बड़े हुए, हमारे में वो बहुत बड़ा दिल हो, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ब्रह्मा अपने आप को कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ मैंने आपको बतलाया है कि तेरे में जब तक ब्रह्म नहीं आता, तेरे में जब तक ब्रह्म की स्थापना नहीं होती तब तक तेरे के ब्रह्मांड को जानने की शक्ति नहीं आती। नारायण तो पालन पोषक के कार्य हुए और ब्रह्म वो हुए जो अपने आप को ब्रह्ममय बनाते हुए इस सारे संसार को ब्रह्म को देखता है और सारे दुख दर्दों को अपना दुख दर्द समझता है, सारी की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है, तब वो ब्रह्ममय होता है। और इस ब्रह्ममय होने के लिए तुझे क्या करना है, पहले ब्रह्मास्त्र को सिद्ध करना है और वो ब्रह्मास्त्र तेरे पर ही प्रयोग करना है, तब तेरी बुद्धियां सब चली जाएगी, तेरी दुर्बुद्धि चली जाएगी, तेरी एक कष्टबुद्धि चली जाएगी, गुरु के प्रति तेरे में समर्पण आएगा, तेरे में वो होगा कि ये सारा जग ब्रह्ममय लगने लगेगा और तब सारा जग ब्रह्ममय लगेगा तो तब कहेगी वसुधा व कुटुंबकम, ये सारी वसुधा मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। और तुझे हर कहीं भी जगह जा लोग अपना अपनाने लगेंगे, अपने गले से लगाएंगे, प्रेम से देखेंगे, आओ कहेंगे आज तुझे वो सारी चीजें देंगे जो तुझे कल तक नहीं मिली थी। मैंने बहुत बार आपसे कहा, आज गुरु कृपा से मैं जहां कहीं भी जाता हूं, एक जमाना वो भी था अगर मैं किसी दोस्त के घर को जाऊं, मेरे पास नौकरी नहीं थी, लोग कहते थे ये सारा कर्जा पूछने तो नहीं आया है, नौकरी छोड़ दिया है, गुरु गुरु कहते बैठा हुआ है, लेकिन पैसे तो नहीं मांगेगा, इसको तो दूर करें। वो बाहर से नमस्कार करता था, हाँ भाई ठीक है अच्छा है कब आया, चल अपन बाहर जाएंगे। वो घर के दहलीज पर आने के लिए भी उसको दूर लगती थी, अपने घर पर भी आता था तो एक मिनट वो खाना खाने के जाने के लिए सोचता था कि इसके घर में खाना खाऊं तो कहीं पैसे तो नहीं पूछेगा। इस स्थिति में भी मैंने गुजारा किया है, लेकिन आज गुरु कृपा से जिस समर्पण की बात करता हूं, मैं नहीं जाता हूं तो आज मेरे पास लोग लाइन बनाकर खड़े हुए हैं कि गुरु जी आप मेरे घर कब आएंगे, मेरे आने के लिए फूल मेरे रास्ते में फूल डालते हैं और आते हैं कि आप आओ, आपको वस्त्र आज सारी से बिल्कुल पूजा करके दक्षिणा के साथ आपको भोजन देंगे। आज वह दिन भी देख रहा हूं, कल मैंने वो दिन भी देखा था। आज गुरु कृपा से अगर मैं कहूं हैदराबाद से निकला हूं और सारा भारत भ्रमण कर रहा हूं तो मेरे जेब में अगर मैं 2 रुपए भी डाल के चलूं तो मैं आपको इज्जत के साथ कहता हूं पूरे 5-स्टार होटल की फैसिलिटी के सारे पूरे भारत को भ्रमण करके आऊंगा, मेरे पास 2 रुपए ही जेब में रहेंगे, फिर उसको वापस लेके आ सकता हूं, ये गुरु कृपा है। और आप 1,00,000 रुपए लेकर चलेंगे तो मेरे उतना ऐश्वर्य आप अनुभव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गुरु कृपा प्राप्ति की बात अलग है। मेरे को आह्वान करते हुए घर में फूलों के चादर बिछाते हुए लोग बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, एक दिन रहा तो 2 दिन रहने के लिए कहेंगे, ये गुरु कृपा है। मैं आपको चाहता हूं कि ऐसा जीवन जीने की क्रिया आप भी संभालो, आप भी करो। इसके लिए गुरु के प्रति समर्पण चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन चाहिए, गुरु की आज्ञा को लेकर चलने की क्रिया अपने जीवन में होनी चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हुआ कि उस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को जिन्हें आप सुबह नारायणास्त्र आपके ऐश्वर्य को दिया, लेकिन आपकी बुद्धि पलट जाए, आपके बुद्धि में समर्पण आ जाए, आप गुरु के प्रति समर्पित हो और गुरु के प्रति कार्य करने की क्षमता आप में हो, इसलिए
इस ब्रह्मास्त्र को किसने दागा था? पहली बात, ब्रह्मास्त्र को जब हनुमान जी रावण के पास गए थे रावण के दरबार में, और रावण को बांध नहीं सक रहा था हनुमान जी को, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और हनुमान जी ने देखा कि ब्रह्मास्त्र का मैं मान रखता हूँ इसलिए मैं बंधे जाता हूँ, और वो बंधे गए और उनके दुम को अग्नि लगाया। तो उन्होंने कहा कि तूने गलती की रावण, मुझे बांध कर तुमने दुम को अग्नि लगाई, फिर लंका जल जाएगी। और उसने लंका को जलाया। अगर हनुमान जी को नहीं बांधते थे वो कुल के चले जाते थे, लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र को बांध के गलती की। और उन्होंने कहा कि मेरा आत्मदर्शन हो गया, रामचंद्र जी मुझे क्या चाहते हैं कि इस लंका को जला कहने के लिए कह दिए हैं, तो इन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो बहुत अच्छा किया। ये आत्मदर्शन था। और ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग हर एक ऋषि पहले ये ब्रह्मास्त्र सीखता है। ऐसे नाथ संप्रदाय में जितने भी गुरु है, नाथ संप्रदाय के नवनाथ, उन्होंने पहले ब्रह्मास्त्र को सीखा और गुरु के तत्व को जानकर गुरु के प्रति समर्पित हुए, और अपने जीवन में जब भी ब्रह्मास्त्र का उन्होंने प्रयोग किया वो आत्मदर्शन को प्राप्त कर सकते थे। और देवता या गुरु या ऋषि कोई भी सामने अच्छा आदमी आ जाता था वो उसकी कृपा के पात्र बनते थे। जिसको ब्रह्मास्त्र प्रयोग आया उसके ऊपर देवता की कृपा, यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराओं की कृपा और उन भाव साधु संतों की ऋषियों की कृपा प्राप्त हुई जिसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अपने ऊपर किया हो। और इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग गुरुजी ने मुझे पहले विंध्यावासिनी के जंगलों में करवाया था। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो तो यही प्रयोग था जिसको मैंने 11 दिन जल पर खड़े रहकर इस साधना को संपन्न किया था। मैंने बहुत बार आपको समझाया कि मुझे गुरुजी ने मुझे ये साधना करवाई, लेकिन वह वैदिक साधना थी और यही साधना है स्थावर साधना है। और ये साधना केवल 5 बार आपको पूर्ण होती। इस साधना को कल सुबह करवाऊंगा, 6 बजे सूर्योदय के समय इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होता है। और जो इस साधना को करना चाहते हैं वो लोग आज रात में नवनाथ स्तुति की पारायण 21 बार पहले ही कर ले, नवनाथ स्मरण का पारायण कर ले और गुरु जी के पास से उन फूलों को ले लें। और आपके पास जो नारियल दिया हूँ वो नारियल भी अपने सामने नाथ रूपी गुरु को ही अपने पास समझकर उस स्तुति को उस स्मरण को आप पूर्ण करें। ब्रह्मास्त्र का मंत्र रात में देता हूँ लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सुबह 4 से 6 या 7 बजे तक। मैं आपको कल सुबह 6 बजे यहाँ आकर ब्रह्मास्त्र की दीक्षा प्रदान करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप आज रात में इस स्तुति को स्मरण को पूर्ण करेंगे। उस पूर्ण करने से पहले स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का दर्शन लेना और अपने आप में नवनाथ के रूप में, नाथों के रूप में गुरु का दर्शन होना अपने लिए अनिवार्य है। और इसके लिए आपको क्या करना है, उस स्थिति को बोलने के लिए जो मैं अभी मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र को आपको रात में 12 बजे केवल एक माला जपना है और उस नारियल के सामने जो आपके पास रखा है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रह्म ब्रह्मांडवी निम निखिलवई नमः। रात के 12 बजे इसका मंत्र, इस मंत्र का जप करना है। अब आगे हम गुरु जन्मदिवस को मनाएंगे इसलिए पहले अक्षय को चांस देता हूँ कि वो उसका कार्यक्रम 1 घंटे के लिए करें या आधे घंटे के लिए करें। उसके बाद उस्मानाबाद से आए साधकों के लिए वो समय देता हूँ कि कल हमें जल्दी करना है। उन्होंने कुछ आतिशबाजी लाए, फटाखड़े लाए, ब्रह्मांड में गुरुजी को बताना चाहते हैं कि निखिल चेतना केंद्र में गुरुजी का जन्मदिवस हो रहा है। उसके बाद हम आज गुरुजी के जन्मदिवस के ऊपर केक कट करेंगे रात के 11 से 12 के बीच में, और उसके बाद में आपको मैं भोजन को भेज दूंगा। मैं उस्मानाबाद या खेर से आए हुए, तेलखेड़ा से आए हुए साधकों को कहता हूँ कि वो आतिशबाजी की तैयारी अपने कुंड के पास या हाल के सामने करें।